कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का बाड़सा गांव में पहुंचने पर सरपंच प्रतिनिधि व गांव वासियों के द्वारा फूलों की मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। बाड़सा गांव में पहुंचे कृषि मंत्री ने एम्स बाड़सा के सामने सहायक सड़कों के शिलान्यास का उद्घाटन किया और ये जो सड़क निर्माण कार्य है लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बाड़सा में सहायक सड़कों के निर्माण कार्य की आज मंत्री ने आधारशिला रखी। इस अवसर पर मंत्री का पगड़ी पहना करके आज आपके गांव में यहां बाड़सा के सामने जो बादली गुरुग्राम सड़क है उसकी सहायक सड़क का शिलान्यास किया है मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने, क्या कहेंगे? संजय जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद करता हूँ, जो हर चीज में उनका ध्यान बाड़से की तरफ आकर्षित रहता है। एक मिनट में ही पता नहीं कहाँ से प्लान आती है बाड़सा के नाम से। हम बड़ी खुशी जाहिर करते हैं बात की कहा कि 5 करोड़ रुपए की लागत से मंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया है एम्स के साथ रोड का सौंदर्यकरण और रोड को चौड़ा करने के लिए और बाड़सा गांव को एक गिफ्ट देके गए हैं अभी जी। तो हमारे को बड़ी खुशी हुई, हमारे गाँव के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मंत्री जी का बाड़सा पूछने पर स्वागत किया और हम मंत्री जी से एक अरदास करते हैं, जो रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन हर गांव के लिए, हर परिवार के लिए वो एक सोच रखते हैं कि भाई मैं अपने हलके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराऊं, लेकिन अब भी 2 दिन 1 दिन बाकी है, उसमें भी ये सोच रखते हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हमारी बच्ची बहन बेटियों के लिए जो बादरी कॉलेज में वो एक 2 गाड़ियाँ दान करने के लिए सरकार की तरफ से बच्चियों के लिए, जो बच्ची घर से कॉलेज आती है उनके लिए अभी वो देख मंत्री जी वो देख जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है, इतनी अच्छी सोच रखते हैं बच्चियों के लिए, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो उन्होंने का अभियान चलाया था भारत हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने उसमें मंत्री जी का अहम योग रहा है और मंत्री जी से हम दुआ करते हैं आने वाले समय में ये कम से कम कई हजारों वोटों के अंतर से जीते और हल्का वासियों से हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में मंत्री जी का हाथ मजबूत करें और आने वाले समय में मंत्री जी को दोबारा से इस पद पर विराजमान करें। तो मैं सभी से यही विनती करता हूं, धन्यवाद। सरपंच साहब, बड़े काम हो रहे हैं बाड़सा में, जैसे आज शिलान्यास किया गया है सड़कों का शिलान्यास, ये जो सड़कें होंगी जो बाड़सा को जोड़ेंगी एम्स से लेकर के तमाम गाँव को, क्या कहेंगे इसको लेकर, कैसा कार्य है ये? जी बहुत अच्छा कार्य है, हमारे मंत्री जी की सोच है कि इसमें और प्रॉब्लम थी और बहुत अच्छे काम किए हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और इसका वृक्षा प्रण का भी पौधारोपण का भी बहुत अच्छा किया है और बेटियों के लिए भी बहुत सुरक्षा की है और आगे भी ये सरकार आएगी तो बहुत प्रोग्रेस करेगी हम के लिए। इसके लिए बहुत खुशी है कि हमारे मंत्री जी दोबारा मंत्री बने और बचा। जी जी जी, आज आपके गांव में ये सड़क का शिलान्यास करके गए मंत्री जी, क्या फायदा होगा? बहुत बढ़िया जी फायदा, एक्सीडेंट नहीं होंगे, सर्विस रोड अलग से हो जाएगा जी। प्रकाश धनखड़ ने बहुत बढ़िया काम किया है। आसानी हो और यात्री को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, एम्स में आने जाने वालों को भी आसानी हो, आगे की योजनाओं में भी है, जिससे इसका जो आवासीय क्षेत्र है और इसका जो ऑपरेशनल क्षेत्र है यहाँ पर इलाज भी है, उन दोनों की कनेक्टिविटी भी इसमें आगे बढ़ रही है। तो आज मैंने एक शुरुआत पीडब्ल्यूडी में भाग ली थी और हम इस पर काम प्रारंभ कर रहे हैं और जो है जल्दी से जल्दी लोगों को सुविधा मिले इसके लिए जो है इसे करता हूँ और जो है आज ये उद्घाटन करने के शिलान्यास आज कराया है, क्योंकि इस सरकार की इज्जत इस बात में बनी है कि शिलान्यास और उद्घाटन में ज़्यादा समय नहीं लगता। आपने एम्स का भी देखा, तो आपने भूमि पूजन भी देखा और आपने उद्घाटन भी देखा, तो इस नाते से ये जो सरकार की छवि बनी है उस छवि के अनुरूप ही समयबद्ध। राज्य स्तरीय महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सभी विधानसभाओं में चल रहा है, हमने भी अपनी विधानसभा में 2 दिन तय किए, 15 तारीख को जो सामग्री हमको दी गई और एक थैला हमने अपनी समर्था की बहनों से बनवाया है, तो समर्था की बहनों ने जो थैला बनाया है वो थैला बाला टिक्री करने जिस पर लिखा हुआ है मोदी जी को ना और उसने ही बीजेपी की प्रचार सामग्री का वितरण कर। हमने जो छोटे गांव हैं उनमें तो शायद एक पारी में हो जाएगा महासंपर्क, सुबह के 3 घंटे का समय रखा है 8 से 11, फिर जो बड़े गांव हैं वहाँ शाम का समय भी रखा है, जिससे
कोई भी घर छूटे ना, तो उस नाते से शाम को 4 बजे से 7 बजे हर घर को कवर करने का जो है। 17 तारीख को फिर दोबारा से हम हर घर को जाएंगे। मोदी जी का एक कैलेंडर मोदी है तो मुमकिन है, और उसके साथ साथ अपने बाद भी हल्के के विषयों के साथ वो कैलेंडर जो है हर घर को। आज हमने अभी बादली कॉलेज एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बहनों के लिए हमने ये जो बैटरी चलित वाहन होता है वो 2 वाहन जो है आदमी को दे, जिससे उनको बादली गांव से आने जाने किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, बहनों को बार बार ले आया और छोड़ा जा सके। 9 सीटर 2 वाहन आज उनको उनके लिए दे रहे हैं जो बैटरी चलित होंगे। उनके कुछ स्थान तय कर देंगे बादली अपने इस कस्बे में किस तरह से आएंगी कहाँ से ले जाएंगी, तो बहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए। ओम प्रकाश।